कमलेश किचन को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, कमलेश किचन में आपका स्वागत है। सर्दियां हो रही हैं तो इस सर्दियों में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है तिल। तिल जो अपने शरीर को गर्माहट देता है और इसके हम तिल और मावे के आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तिल लिए हैं और इनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है, भून लिए हैं इनको, और भून कर ये तिल मैं अब इनको पीसूंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये तिल दरदरे पीस लिए हैं, इनको ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है और इनको इस तरह से दरदरे ही रखना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 5-7 बादाम और 5-7 काजू और इनको भी मैंने दरदरा कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बूरा, जिसे पीसी चीनी भी कहते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम मावा और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये घर का मावा है इसलिए ब्राउन है और इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। तो ये इस टाइम गर्म है। तो आइए हम सबसे पहले जो हम ये जो तिल हैं इनको हम पीस लेते हैं। ये हमारा जो तिल थे हमने पीस लिए हैं, ये पूरे आधे किलो तिल हैं 500 ग्राम। तो यहाँ पर हमने ये सारे तिल को निकाल लेंगे। इनको हमने निकाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे बूरा, ये भी मैंने 500 ग्राम लिया है। तो आप बूरा ले लीजिए, बारीक बूरा लेना है। और अच्छे से इसमें जो ये जो या तो आप छान सकते हैं, वैसे ये साफ बूरा है, इसमें छानने की जरूरत नहीं। तो आप इस तरह से मिला लीजिए इसको अच्छी तरह से। हमारा बूरा अच्छी तरह से मिल गया तिल के अंदर। और अब हम इसमें मिलाएंगे मावा, यानी कि खोआ जो हमने घर में निकाला हुआ है। और इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है, ये गरम गरम है। तो हम ये सारा इसमें डाल देंगे। यहाँ पर ये सारा मावा जो है इसे भी हम इसमें मिला लेंगे। और ये जो हमने बादाम काजू के जो टुकड़े किए हुए हैं इसको भी हम इसमें मिला लेंगे। तो हम इसको अच्छे से हाथ से मसल कर मिला लेते हैं। अच्छे तरह से हमने मिला लिया, इसमें बूरा वारा सब डाल के अच्छे तरह से मिला लिया, मावा भी हमने अच्छे से मिला लिया है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका मिक्सर तैयार हुआ है। और अब यहाँ पर हम ये जो गरम गरम है ना, तो गरम गरम में ही इसके लड्डू बनेंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो उसके लड्डू नहीं बनेंगे और इसके दाने से बिखर जाएंगे। तो इसलिए हमने ये भी, हमारा मावा गरम था, तिल भी गरम थे, तो ये गरम गरम ही है। तो इसी में हम गरम गरम में ही इनको लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर एक नींबू के साइज का या आप उससे भी छोटा या बड़ा अपने अनुसार बना सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने एक नींबू के साइज का लड्डू बनाया है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। यहाँ पर मैंने ये जो बादाम रोस्ट करके डाला था उसके टुकड़े भी हैं, तो काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। लीजिए, हमारे लड्डू एकदम से तैयार हैं और बहुत ही अच्छे लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो इसमें हमने ध्यान रखने वाली बात सबसे ज़्यादा है कि जो हम मावा अगर हम घर का लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें चिकनाहट भी होती है और घी भी होता है। अगर हम मार्केट का बना हुआ मावा लाते हैं और उसको हम जो कच्चा रहता है वो थोड़ा सा उसको हम कढ़ाई में डालकर और हल्का सा उसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो पकने के बाद अगर आपको लगता है कि उसमें चिकनाहट है तो आप उसमें घी ना डालें। अगर उसको आपको लगता है कि उसमें चिकनाहट नहीं है तो आप जब ये मिश्रण तैयार करते हैं तो उसमें एक चम्मच घी भी डाल दें, तो उससे हमारे लड्डू और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं।
और अगर हम तिल भूनते हैं तो उनको हमने हाई फ्लेम पे नहीं भूनना, हल्की फ्लेम पे भूनना है और हल्का ही ब्राउन रखना है। ज़्यादा ब्राउन रखेंगे तो हमारा वो लड्डू कड़वे लगेंगे। और हमने हल्के गुनगुने ही उनको पीसना है, ठंडा करके नहीं पीसना। तो हम इन्हें सर्व करते हैं। हमारे लड्डू बनकर एकदम से तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे काजू बादाम के लड्डू हमारे तैयार हुए हैं। और इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।